Ja ho future brai. धारा की पढ़ाई की फिक्र हो रही है। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसके डॉक्टर बनने के सपने का क्या होगा? बेटा बेटी में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस उन्हें अच्छे तालीम की और अच्छे परवरिश की जरूरत होती है। मैं आप लोगों की और आप लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। धारा, तुमने जो फैसला किया वो बहुत गलत है, उसे बदल दो। ये सब तुम्हारे लिए धारा, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी, मैं मालूम है कितना खुश हूँ। मैं बचपन से आपको टॉर्चर सहते हुए देखा। हर लड़की का सपना होता है कि उसका लाइफ पार्टनर उसकी स्ट्रेंथ बने, उसके लिए जमाने से लड़ जाए। पर पापा, पापा ने तो आपको जमाने के सामने बेइज्जत किया। वो तकलीफें आपने मुझे और निकिता को बड़ा करने में की है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी की वजह से आपको और टॉर्चर सहे। आई मैं शादी कर लूं, मैं घर संभाल लूंगी। आई एटलीस्ट इस घर के लोग तो दुख से दूर रहेंगे ना। तो अपने आप को दुख में रखकर कैसे सोच सकते हो कि हम खुश रह पाएंगे? आई आप ना सही, पर पापा और दादी वो तो खुश रहेंगे ना। और वैसे भी लड़की कोई काम की नहीं, ये तो बार बार सुनना नहीं पड़ेगा ना। आई आप निकिता का ख्याल रखिए, वो बच्ची है, उस पर कोई आंच ना है, कम से कम वो तो अपने सपने पूरे कर पाएगी। जगदीश, क्या बात है, तुम अभी तक उसी बात को लेकर परेशान हो? मोहसिन, इतनी शर्म की बात है, हमारे बेटे ने जो किया वो। जगदीश, अगर हम अंकित को नहीं समझकर गलत मानकर उसे नजरअंदाज करेंगे तो वो टूट जाएगा। यानी हम उनकी गलतियों पर पर्दा डालते रहेंगे बस? नहीं मोहसिन, सिफारिश मत, उसने और धारा ने जो किया वो सरासर गलत है। देखो, सुरेखा भाभी को भी पता है कि धारा ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन वो उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसे हिम्मत दे रही है ताकि वो इससे भी बड़ी कोई गलती ना कर बैठे। इसका मतलब तो यही ना कि हम हार मान ले? गलती को गलती से नहीं, प्यार से सुधारा जाता है। मैं नहीं चाहती कि आप भी यशवंत भाई साहब की तरह करें। यानी हमें अंकित को प्यार से समझाना होगा? जी हाँ। तुम जो कह रही हो, फिर वैसा नहीं हुआ तो? ऐसा ही होगा, क्योंकि प्यार में इतनी ताकत होती है कि पत्थर भी पिघल जाता है। दादी, आप सोए नहीं अभी तक?
नहीं बेटे, नींद ही नहीं आ रही है मुझे। क्यों दादी, क्या हुआ? बेटा, जगदीश ने तुम्हें थप्पड़ मारा ना, मुझे बहुत बुरा लगा। दादी, हम लोग तो इसके आदी हो गए हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पत्थर बना दिया है। सही कहा दादी आपने, पत्थर। इसलिए तो अब हमें किसी भी मार का असर नहीं होता। बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? और क्या कहूं, माँ बाप कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और जब हमने पढ़ने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। करना क्या है, धारा को अपना फैसला बदलना होगा, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, और अब हम ये करके ही रहेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। ठीक है दादी, सो जाओ। यशवंत भाई ने ऐसा कहा? वो बड़े ही डबल स्टैंडर्ड के शख्स हैं। हाँ यास्मीन, जो शख्स बेटियों को बोझ समझता है वो किसी गिरे हुए इंसान से कम नहीं। एक वो है और एक सुरेखा भाभी, जिन्होंने उस इंसान के हर जुल्म को सहा है, वो भी खामोशी से। आज लेकिन वो अपनी बेटियों के लिए उतर पड़ी। क्यों? अब धारा ने क्या कर दिया? वही जिस बात का डर था, उसने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ने का फैसला कर लिया है, और यशवंत भाई साहब के दिखाए हुए लड़के से शादी करने को राजी हो चुकी है। ये धारा भी क्या हिमाकत कर रही है। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मान ही नहीं रही है। लेकिन सुरेखा भाभी उसके लिए हुए फैसले को बदलना चाहती हैं, और हम सब उनका साथ दे रहे हैं। हम सही कर रहे हैं ना? क्या बात है इरफान, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, क्या सोच रहे हैं आप? यही कि अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाने वाले वालिदैन अपने ही औलाद के मुस्तकबिल के दुश्मन कैसे बन सकते हैं? मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जी। अब रोने से क्या फायदा? सही कह रही हो तुम मधु, पर आज हर्ष की इस हरकत ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और यही तकलीफ मुझे रुला रही है। गलतियां किससे नहीं होती, और भगवान भी हर गलतियों को माफ कर देते हैं। मुझे अपने हर्ष पर पूरा भरोसा है, और मैंने भी उसे माफ कर दिया, लेकिन इस बात से डर रहा हूं कि दोबारा वो ऐसी गलती ना कर दे। नहीं करेगा, ये एक माँ का विश्वास है। हर्ष जाने या अनजाने में भी ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा जिससे हमारे बीच में दूरियां हो। मुझे हर्ष पर पूरा भरोसा है। एक माँ को जब अपने बेटे पर इतना भरोसा है तो एक बाप क्यों पीछे रह जाए? ये हुई ना बात। वैसे भी डरते वो माँ बाप है जिन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा ना हो। और आप भूल गए हमने हमारे हर्ष को कैसे पाला है, किस तरह उसकी परवरिश की है। मधु, तुम इतनी पॉजिटिव एनर्जी लाती कहां से हो? माँ हूँ, माँ खुद एक शक्ति होती है। एक्सेप्टेड। वैसे ये पॉजिटिव एनर्जी मुझे सुरेखा भाभी से मिली है। पता नहीं वो यशवंत भाई जैसे इंसान के साथ इतने साल कैसे रह पाई होगी। उनके इतने जुल्म सहे हैं उन्होंने, कभी उफ तक नहीं किया। पर बात जब उनकी बेटियों की आई तो
वो उसी जालिम इंसान के सामने उनकी ढाल बनकर, कवच बनकर खड़ी हो गई। वो भी सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटियां कुछ पढ़ लिख पाए, डॉक्टर या इंजीनियर बन पाए। भगवान करे ऐसा हो जाए, पर मेरी मानो तो ये बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि आज ही मैंने यशवंत भाई के अंदर के जानवर को देखा है। वो जानवर सुरेखा भाभी, धारा और निकिता के हर सपने को निगल जाएगा। ऐसा लग रहा है हर्ष, जैसे तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है। मेरी नजरें और मेरा दिल जिसे चाहता है उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। बाकी की बात मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। निकिता, चलो उठो, तुम्हारी कोचिंग क्लास का टाइम हो गया है। अरे चलो उठो, तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? माँ, हम लोग रात भर सोए ही नहीं। क्यों? क्योंकि दी नहीं सोई। पता नहीं रात भर क्या सोच रही थी वो। क्या बात है धारा? चलो कोई बात नहीं, शाम में कॉलेज से आते ही सो जाना। तब तक कॉलेज की तैयारी करो। दी चलना। तारा बेटा, देखो निकिता क्या कह रही है। चलो अब जल्दी से तैयारी करो। जब पढ़ाई छोड़नी है तो क्लासेस जाने का क्या फायदा? तुम क्या कह रही हो दी? तुम ये गलत कर रही हो। बड़ा फैसला इतनी कम समय में लेना गलत है। पहले सोचो, समझो, अपने आप को भी टाइम दो।
लेकिन तब तक कॉलेज और क्लासेस जाने की तैयारी करो। आई, ये फैसला मैंने काफी सोचने और समझने के बाद लिया है और अब इसे बदलने में मुझे एक सेकंड भी नहीं चाहिए। दी, सॉरी निकिता, मैं रात भर नहीं सोई हूं और अब मुझे नींद आ रही है, तो प्लीज। अच्छा पार्टी, और कितना देर तुम लोग निकिता और धारा का इंतजार करोगे? मेरी बात मानो तो तुम लोग जाओ। फ्रेंड्स, आई थिंक रैम्बो सही कह रहा है, अभी हमें चलना चाहिए। नहीं आएगी, धारा जरूर आएगी। देखो हर्ष, मैंने कल रात यशवंत भाई को नशे में धूत उनके घर पर जाते हुए देखा, जरूर वो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर दिए होंगे। फ्रेंड्स, धारा शादी कर रही है, फिर उसकी उसकी पढ़ाई का क्या होगा? फ्रेंड्स, दी आज से अपनी पढ़ाई छोड़ रही है। What? दी ने ये फैसला किया है कि वो आज से कॉलेज नहीं आएगी, और तो और वो उस लड़के से शादी करने के लिए भी रेडी हो गई है। निकिता, धारा ऐसा नहीं कर सकती। अरे उसने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? क्या उसने फैसला करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा? अरे मैं सब बात करके हार चुकी हूँ। अरे दी ने बस ठान लिया है, वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। उसके इस फैसला की वजह से माँ को भी बड़ी तकलीफ पहुंची है। आज धारा इतनी सेल्फिश हो गई है कि उसने अपनी माँ के बारे में भी एक बार भी नहीं सोचा। नहीं फ्रेंड, ऐसी बात नहीं है। दी ने ये फैसला सिर्फ माँ को पापा की मार उनके टॉर्चर से बचाने के लिए लिया है। वरना दी के ना करने की सजा बेचारी माँ को दिन भर पापा का जुर्म सहकर चुकानी पड़ती, इसलिए बेचारी मेरी दी ने अपने ड्रीम्स को, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए सैक्रिफाइस किया। इसका मतलब हमें धारा को ये रियलाइज करवाना होगा कि उसका लिया हुआ ये फैसला गलत है। तुम ठीक कह रहे हो, हम सबको मिलकर धारा को उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए राजी करना होगा। हाँ तो ठीक है, हम सब मिलकर धारा को उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मजबूर कर देंगे। अरे रैम्बो, तुम? नमस्ते मैडम। नमस्ते, क्या बात है? मुझे धारा से मिलना है। वो बहुत टूटी हुई है। मैं जानता हूँ, अभी नीचे निकिता और सारे बच्चे मुझे मिले थे, उनसे पता चला है। ऐसे कैसे अपने जीवन का फैसला कर सकती है? मुझे उससे बात करनी है। मगर अभी यशवंत घर पर है। मैडम, ये मुझसे बेहतर कौन जानता होगा? सोसाइटी में कब कौन आता है, कब कौन जाता है? आप फिक्र मत कीजिए, जिस हिसाब से साहब रात को पीकर आए थे, उस हिसाब से इतनी सुबह उठना उनका नामुमकिन है। बस मुझे धारा से बात करने दीजिए, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। वैसे भी ये मुश्किलों का साथी मैं हूँ रैम्बो। अगर रैम्बो तुम ये कर पाए ना, तो मैं जीवन भर तुम्हारा आभार मानूंगी।
लेकिन जरा बचकर करना। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, मैं हर जगह से बचकर निकलता हूँ। तुम्हें पता है पानी एक नियामत है, ऊपर उठे तो भाप, ऊपर से नीचे गिरे तो बारिश, झूम के बरसे तो ओले, और जमीन पर गिरकर जम जाए तो बर्फ, पत्तों पे गिरे तो शबनम, पत्तों से नीचे गिरे तो अर्क, तो आंखों से गिरे तो आंसू, और बह जाए तो समंदर। सोचो धारा, ऊपर वाला एक पानी की बूंद से इतने सारे काम लेता है। हम तो ऊपर वाले की महान रचना है, और वो इस महान रचना से महान परीक्षा ही लेगा ना, और तुम एक यशवंत शिंदे से हार मान लेती हो। रैम्बो, ये मेरा अपना फैसला है, इसके लिए किसी और को कसूरवार ठहराना बहुत गलत होगा। ठीक है, मान लेता हूँ। अरे मान क्या लेता हूँ, यकीन कर लेता हूँ। ये पढ़ाई बीच में छोड़ने का फैसला सिर्फ तुम्हारा ही फैसला है, लेकिन तुमने एक पल भी अपनी बहन के बारे में सोचा है? तुम्हारी पढ़ाई छोड़ने से उसका कितना नुकसान होगा? अरे वो निकिता तो अभी बच्ची है, तुम्हारी उंगली पकड़ के चलती है, तुम जब उसकी नजरों से ओझल हो जाती हो तो तुमको ढूंढती है, तड़पती है कि मेरी बहन कहाँ गई।